करें, सही समझाएं। सबसे पहला कॉर्पोरेट पर्सनालिटी हमें अच्छे से समझ में आ गया अपनी पिछली क्लास में। अब सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें, सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स बोल रही है लिमिटेड लाइबिलिटी किसकी, ऑफ मेंबर। लिमिटेड लाइबिलिटी किसकी, ऑफ मेंबर की, ठीक है। मेंबर की लाइबिलिटी लिमिटेड है, क्यों मेंबर की लाइबिलिटी लिमिटेड है, क्योंकि कंपनी की एक सेपरेट आइडेंटिटी है। इसीलिए लोन लिया, किसने लोन लिया, कंपनी ने, किससे लिया, एसबीआई बैंक से ले लिया। चलो एसबीआई बैंक से उन्होंने लोन लिया, तो भाई अगर वो लोन नहीं चुका पाती है तो कौन रिस्पॉन्सिबल है, कंपनी रिस्पॉन्सिबल है, कंपनी का मेंबर थोड़ी ना, ठीक है। प्रॉफिट आता है, वो प्रॉफिट किसका है, कंपनी का है। प्रॉफिट किसका है, कंपनी का। कंपनी ने सोचा है कि भाई हमें ना अपने शोल्डर को ऐसा डिविडेंड देना है तो वो देगी, अगर कंपनी ने सोचा है ना कि उसको नहीं देना है तो वो नहीं देगी। दैट मीन्स आप मालिक हो, ये सारी बातें अब तक झूठ है, क्योंकि मालिक होता तो प्रॉफिट में भी तो हक होता, कंपनी की प्रॉपर्टी में भी तो हक होता है। आप मालिक नहीं हो, आप अपने खुद के मालिक हो, आप कंपनी की, क्योंकि लीगल टर्म है हम शेयर होल्डर बोलते हैं, इसलिए शेयर होल्डर शेयर होल्डर शेयर होल्डर मान लिया जाता है कि वो मालिक है, लेकिन एग्जैक्टली बोलो तो वो मेंबर है, वो शेयर होल्डर है। अब फॉर एग्जाम्पल मैं सी एस हूँ, सी एस मेंबर होता है, किसका मेंबर है, मालिक बन गई क्या ये इंस्टीट्यूट, ये इंस्टीट्यूट आईसीएसआई कंपनी है, कंपनी की सेपरेट आइडेंटिटी है। आईसीएसआई जहां कहीं कोई प्रॉपर्टी खरीदेगा तो मैं भी वहां पे जाके खड़ी हो जाऊंगी, बोलूंगी यस ये तो प्रॉपर्टी मेरी है, ऐसे बोल सकती हूँ क्या, नहीं, कि चलो बेचो मुझे पैसे की जरूरत है, बेच सकती हूँ क्या, नहीं। तो इन शॉर्ट शेयरहोल्डर अलग है और कंपनी अलग है, तो इसलिए शेयरहोल्डर अगर प्रॉफिट में भी हकदार नहीं हो रहा है, कंपनी की मर्जी होगी तो प्रॉफिट मिलेगा ना, तो ऐसे ही लाइबिलिटी के लिए भी वो हकदार नहीं है। लेकिन उनके बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, आप हमेशा सुनते हो शेयर सर्टिफिकेट, शेयर सर्टिफिकेट, उनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है कि हम कंपनी को 10 रुपये दे रहे हैं, एक शेयर हमने खरीदा, मैं कंपनी का एक शेयर खरीदती हूँ, मतलब मैं 10 रुपये उनको देती हूँ, ठीक है। तो मेरी लाइबिलिटी बस 10 रुपये की है, क्यों, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट में साइन किया है, वो शेयर सर्टिफिकेट एक कॉन्ट्रैक्ट है, वो शेयर सर्टिफिकेट क्या है, एक कॉन्ट्रैक्ट, कि मैं कंपनी तुम्हें 10 रुपये दे रही हूँ, बदले में तुम मुझे 10 रुपये तक का वोटिंग राइट दो। मेरे पास एक राइट है कि कल को कंपनी में जो कोई भी डिस्कशन होगा ना तो मुझसे पूछा जाएगा और मैं भी उसके लिए हाँ बोलूंगा या ना बोलूंगा, ये मेरी मर्जी। तो वो मुझे वोटिंग राइट मिलता है। कल को मुझे अगर डिविडेंड कंपनी ने डिसाइड किया डिविडेंड देने को, तो मुझे 10 रुपये के हिसाब से मुझे मेरा डिविडेंड मिलेगा। बात समझ में आ रही है। तो अब मेरी लाइबिलिटी मैंने जब कॉन्ट्रैक्ट में 10 रुपये की बोली थी ना, और क्योंकि हमने ये पढ़ा है कि एप्लीकेशन अमाउंट होता है, फिर क्या होता है एप्लीकेशन के बाद अलॉटमेंट होता है, देन फर्स्ट कॉल होता है, फाइनल कॉल होता है, ये होता है ना, मैंने अभी 3 रुपये ही दिए, 10 रुपये में से मैंने कितने दिए, बस 3 रुपये। तो मेरी लाइबिलिटी कितने की बनती है अभी, 7 रुपये की, 7 रुपये की। मैंने 2 रुपये और दे दिए, मेरी अब लाइबिलिटी कितने की बचती है, 5 रुपये की। तो ये लिखा है ना लिमिटेड लाइबिलिटी, लिमिटेड लाइबिलिटी मतलब तुम्हारा मेरा कंपनी का और जो शेयरहोल्डर का जो कॉन्ट्रैक्ट है ना 10 रुपये का, तो वो उस लाइबिलिटी की बात करें। अगर मैंने कोई भी पैसे नहीं दिए तो अभी मेरी लाइबिलिटी 10 रुपये की है। तो इसलिए लिमिटेड लाइबिलिटी किसकी, मेंबर की। आओ द ओनर ऑफ दिस एसेट, फर्स्ट पैराग्राफ दिख रहा है, चलिए फर्स्ट पैराग्राफ में ये बोल रहा है जो कंपनी है, बींग अ सेपरेट पर्सन, कंपनी एक सेपरेट पर्सन है, द ओनर ऑफ हिज एसेट्स बाउंड बाय इट्स लाइबिलिटी, कंपनी अपनी खुद की एक सेपरेट पर्सन है। तो भाई कंपनी अपने एसेट्स की खुद ओनर है, कंपनी अपनी लाइबिलिटी से खुद बाउंड है। कल को क्रेडिटर अगर पैसे मांगने आते हैं तो वो शेयर होल्डर से पैसे मांग सकते नहीं है, वो किससे मांगे, कंपनी से, क्योंकि कंपनी की सेपरेट आइडेंटिटी, कंपनी की खुद की प्रॉपर्टी, कंपनी का सब कुछ खुद का। भाई SBI बैंक से जब लोन लिया था तो यूज किसने किया था, कंपनी ने ना, किसी प्रोजेक्ट में पैसे लगाया, हमने यूज किया था क्या, नहीं। तो लाइबिलिटी उनकी ही बनती है। द लाइबिलिटी ऑफ द मेंबर एज अ शेयरहोल्डर एक्सटेंड टू द कंट्रीब्यूशन, साफ साफ कंट्रीब्यूशन टू द एसेट ऑफ द कंपनी अप टू द नॉमिनल वैल्यू ऑफ द शेयर। उसने जो कंट्रीब्यूशन करने वाली बात करी थी वही शेयर की वैल्यू, मेरे एग्जांपल वो 10 रुपये, 100 रुपये हो सकता है, 200 हो सकता है, जितना भी वॉट एवर डिपेंड कंपनी की कितनी क्या वैल्यू है, ठीक है। चले मेंबर नाइदर द ओनर, इंपॉर्टेंट ये लाइन मार्क कर दो, अभी तक बचपन से जो पढ़ रहे थे वो जनरल चीजें पढ़ रहे थे, उस टाइम पे इतनी डिटेलिंग आपको नहीं दी जा सकती थी, उस टाइम पे ये डिटेलिंग देते तो आप कंफ्यूज हो जाते कि भाई अच्छा ये तो ओनर ही नहीं होते, आप किसी के भी कंपनी के शेयर्स खरीदने से आप ओनर नहीं बन जाओगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखा है, मेंबर नाइदर द ओनर ऑफ द कंपनी इज अंडरटेकिंग और नॉर लाइबल फॉर इट्स डेट, ना तो वो मालिक है प्रॉपर्टी के लिए, उनके एसेट्स के लिए, ना ही वो डेट पे करेगा कंपनी की लाइबिलिटी के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जब हमें कुछ फायदा नहीं मिल रहा तो हमारा नुकसान भी नहीं होना चाहिए। इन अदर वर्ड्स शोल्डर इज लाइबल टू पे द बैलेंस इफ एनी, लेकिन उसे वो बैलेंस तो पे करना पड़ेगा जिसके लिए वो शेयर सर्टिफिकेट में उसने कंट्रीब्यूशन करने का वादा किया था, मेरे एग्जांपल में 10 रुपये,
₹3 दिया तो ₹7 के लिए वो लाइबल है. ड्यू ऑन दी शेयर हेल्ड बाय हिम व्हेन कॉल्ड अपॉन टू पे नथिंग मोर. ₹10 से ज्यादा पैसा मांगा जा सकता है क्या? नहीं. इवन इफ दी लाइबिलिटी ऑफ द कंपनी आफ्टर एक्सीडेड्स एसेट. ठीक है, एग्जाम्पल देखिए बता रहे. एग्जाम्पल में उन्होंने बताया कि भाई शेयर की वैल्यू कितनी है? ₹1,000. ठीक है, ₹500 दे चुके तो लाइबिलिटी कितने की बनती है? 500 की. क्या वो ₹1,000 से ज्यादा मांग सकते हैं क्या? बिल्कुल भी नहीं. ठीक, तो ये पूरा एग्जाम्पल आपको यही बता रहा है. इफ ही होल्ड फुल्ली पेड अप शेयर. फुल्ली पेड अप शेयर मतलब ₹10 का शेयर था और पूरे ₹10 पे कर चुका है. अब ₹1 भी कंपनी मांग सकती नहीं है. तो लिमिटेड लाइबिलिटी से मतलब क्या है? लिमिटेड लाइबिलिटी से मतलब क्या है? उसने वादा किया ना ₹10 का, तो उसकी लाइबिलिटी ₹10 तक की है. उसने वादा किया ना ₹1,000 का, तो उसकी लाइबिलिटी ₹1,000 तक की है. दैट्स इट. उसके ऊपर कोई लाइबिलिटी नहीं है. कंपनी चाहे बंद ही क्यों ना हो जाए, क्रेडिटर रो रो के पूरे खत्म ही क्यों ना हो जाए, शेयर होल्डर किसी को भी ₹1 देने वाला नहीं है. ये कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी. बात समझ में आ गई? क्यों? क्योंकि उसकी एक सेपरेट आइडेंटिटी है इस कारण से. ठीक है, चलिए नेक्स्ट. यहाँ पे केसेस है, इन केसेस को एक बार खुद से वन रीड करोगे सब समझ में आ जाएगा. वो ये बोलेंगे कि ये कंपनी थी, इस कंपनी में ये शेयर होल्डर था, उसका इतना पैसा था, उससे ज्यादा मांगा नहीं जा सकता. ठीक, चलिए नेक्स्ट हेडिंग क्या लिखा है? क्या मतलब समझते हो इंग्लिश वर्ड परपेचुअल सक्सेशन? राजा का बेटा राजा बनेगा. कंटिन्यू, चलती रहेगी, चलती रहेगी, चलती रहेगी, कंटिन्यूएशन. ठीक है, वर्ड का मीनिंग भी पता होना चाहिए. परपेचुअल सक्सेशन मतलब क्या है? कंटिन्यूएशन. कंपनी एक आर्टिफिशियल बॉडी है. आर्टिफिशियल बॉडी है ना, हम हैं इंसान. हमें कोविड है ना हुआ था ना, हम बीमार होते हैं ना. ठीक है, हम क्या मान के चले भाई ये तो हमेशा लगातार रहेगी? हम अपने आप को बोल सकते हैं हम हमेशा जिंदा रहेंगे? हम ऐसा बोल सकते हैं क्या? नहीं. परपेचुअल सक्सेशन मतलब अज्यूम किया जाता है ये एक आर्टिफिशियल बॉडी है, ये हमेशा कंटिन्यू चलती रहेगी. इनकॉर्पोरेटेड कंपनी नेवर डाई, कभी नहीं मर सकती. लॉ ने बनाया ना, लॉ बंद करेगी, लेकिन हम इंसानों की तरह ये मरती नहीं है. तबीयत खराब इसकी नहीं होती, इसको सर्दी जुकाम है ना, खांसी छींक ये सब नहीं होती. नेवर डाई एक्सेप्ट. एक्सेप्ट क्या लिखा है? व्हेन इट इज एज पर लॉ बंद होगी, इंसानों की तरह मरेगी नहीं, लेकिन हाँ आर्टिफिशियल बॉडी को लॉ ने बनाया ना. याद करो जब हम बना रहे थे, इसका रजिस्ट्रेशन कर रहे थे ना, तो लॉ ने बोला रजिस्ट्रेशन करो, कंपनी एग्जिस्टेंस में आ जाएगी, कंपनी जिंदा हो जाएगी, तो वाइंड अप हो जाएगा. तो वाइंड अप भी क्या कर रहा है? एज पर लॉ. इनकॉर्पोरेट होगा एज पर लॉ, वाइंड अप होगा एज पर लॉ. इंसानों की तरह कभी ये मरती नहीं है. तो परपेचुअल सक्सेशन का मतलब क्या? हमेशा ये कंटिन्यू रहेगी, लेकिन लॉ ने जिस दिन चाह लिया उस दिन बंद हो जाएगी. ठीक, चलिए. अ कंपनीज लाइफ इज डिटरमाइंड बाई द टर्म्स ऑफ द MOA, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन. ये कंपनी का बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है. ठीक है, साफ साफ बोल दिया कंपनी की जो लाइफ है वो किस पे बेस्ड है? एज पर द टर्म ऑफ द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन. मेमोरेंडम एक डॉक्यूमेंट है जिसमें लिखा रहता है कि भाई कंपनी क्या काम करने वाली है, और उसमें ये भी लिखा रहता है कंपनी का ये अगर काम खत्म हो गया तो हम बंद हो जाएंगे. तो क्या लिखा है परपेचुअल सक्सेशन में? क्या बोला है कि कंपनी की जो लाइफ है किस पे बेस्ड होती है? कौन डिसाइड करेगा? द टर्म ऑफ द मेमोरेंडम. लॉ ने बोला है, लॉ ने बोला कि अपने मेमोरेंडम में लिख दो भाई. मैंने साफ साफ बोला कि भाई यहाँ पे फ्लाईओवर का काम चल रहा है, मेरा काम फ्लाईओवर का है, कंपनी बनाई मैंने फ्लाईओवर बनाने के लिए, प्रोजेक्ट खत्म, तो मैंने अपनी कंपनी को भी बंद कर लिया. या फिर आप कह रहे हो कि नहीं हम कंपनी को चलाते रहेंगे, टाटा रिलायंस चलाते जा रहे हैं ना, चलाते रहे, तो मेमोरेंडम में आपने लिखा है कि हम क्या है? परपेचुअल सक्सेशन है, हम चलते रहेंगे, चलते रहेंगे, चलते रहेंगे. आप अपने आप को रोक सकते हो. कैसे रोक सकते हो? मेमोरेंडम में लिखकर कि दो प्रोजेक्ट होंगे हम बंद कर देंगे. या फिर मत लिखो कि दो प्रोजेक्ट, ये प्रोजेक्ट हम हमेशा काम करते रहेंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है. ठीक है, बिल्कुल कर सकते हैं, मर्जी है आपकी, जब चाहे कर सकते हो. आज आपने मेमोरेंडम बनाया है, ठीक है, एक महीने बाद बदल दो, एक साल बाद बदल दो, 10 साल बाद बदल लो. ठीक है, प्रोजेक्ट में आपने पहले क्या बोला कि हम एक प्रोजेक्ट करेंगे, उसके बाद क्या कर देंगे? कंपनी बंद कर देंगे. लेकिन आप चाहो तो मेमोरेंडम बदल दो, कंपनी को मत बंद करो, आगे कंटिन्यू करो. हाँ, बार बार अप्रूवल लेनी पड़ेगी और लंबी चौड़ी फीस भी देनी पड़ेगी. फीस, ठीक है, अप्रूवल, अप्रूवल मतलब फीस देना ही होता है. हम उनसे पूछ रहे कि सर बदलना चाहते हैं, बोलेंगे ठीक है इतनी इतनी फीस दे दो, तुरंत बदल दो, कल के कल बदल दो. बड़ी फीस लगेगी, मोटी फीस लगेगी. ठीक है, चलो, क्योंकि एक बार डिसाइड कर लो ना, इतने क्यों बदल रहे हो. चलिए नेक्स्ट पैराग्राफ क्या बोलता है. एक लैंडमार्क केस है. क्या लिखा है? सोलोमन वर्सेस सोलोमन केस का नाम याद है? दूसरा केस बताओ. ली वर्सेस ली एयर फार्मिंग. तीसरा टी कंदोली. ठीक है, तो इन शॉर्ट
अगर मैं केस का नाम बोलूं तो तुम्हें इससे ये समझ में आ जाएगी कि किस कैरेक्टरिस्टिक्स की बात हो रही है। ये तीनों केस किस कैरेक्टरिस्टिक्स को लेके बात करें? कॉर्पोरेट पर्सनालिटी, डन। अब मैं आपको क्या पढ़ा रही हूँ? परपेचुअल सक्सेशन। इसमें इस नाम को याद रखना है, प्रोफेसर LCB गोवर, ठीक है? चलिए वापस, प्रोफेसर का नाम क्या है? LCB गोवर। LCB गोवर ने साफ साफ बोला, एक उस उन्होंने शेयर किया, मेंबर आते जाते रहेंगे, मेंबर आते जाते रहेंगे, मेंबर्स में कम एंड गो, बट द कंपनी गो ऑन फॉर एवर। इंसान है ना, मेंबर आते जाते रहेंगे, जिंदा होंगे खत्म हो जाएंगे, जिंदा होंगे खत्म हो जाएंगे, नया इंसान, पीढ़ी से पीढ़ी ट्रांसफर हो रहा है। अब टाटा की कंपनी को देख लो ना भाई, कब से पीढ़ी दर पीढ़ी चला जा रहा है, रिलायंस कंपनी पीढ़ी दर पीढ़ी, तो मेंबर आते जाते रह रहे, बदल जा रहे ना, डेथ हो जा रही, तो लेकिन कंपनी तो वही है, कंपनी हमेशा वैसे ही रहेगी। ड्यूरिंग द वॉर एक इंसिडेंट शेयर किया उन्होंने, और यहाँ पे अपने स्टेटमेंट में बताया कि एक बार एक वॉर हुई थी, ऑल द मेंबर्स, प्राइवेट कंपनी, एक प्राइवेट कंपनी थी, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये प्राइवेट कंपनी है, यहाँ पे सारे के सारे मेंबर्स आए हैं, याद है जनरल मीटिंग, सारे मेंबर्स आए हैं, प्रेजेंट है, ठीक है। अब वॉर हो रही है, ऑब्वियसली एक आध बॉम्ब इस मीटिंग में आ गया, फूट गया, इंसान मर गए, सारे मेंबर्स मर गए, कंपनी मरी क्या? तो कंपनी कभी नहीं मरती, मारने वाला लॉ है, ऐसे बॉम्ब से नहीं मरेगी, जैसे मैंने बोला ना कोविड नहीं होगा, सर्दी जुकाम बीमारी से नहीं मरने वाली वो। तो यहाँ पे लिखा है, ड्यूरिंग द वॉर ऑल द मेंबर्स ऑफ अ वन प्राइवेट कंपनी वाइल इन द जनरल मीटिंग, जनरल मीटिंग में सारे मेंबर्स आए थे, वर किल्ड बाय द बॉम्ब, बट द कंपनी सर्वाइव, कंपनी बच गई वहां से, ऑब्वियसली आर्टिफिशियल बॉडी है, बची जाएगी, ठीक है। नॉट इवन आ, तो उन्होंने ये स्टेटमेंट बताया कि नॉट इवन अ हाइड्रोजन बॉम्ब कुड हैव डिस्ट्रॉयड, क्योंकि ये एक आर्टिफिशियल बॉडी है और इसका ये कैरेक्टरिस्टिक्स क्या बोलता है? परपेचुअल सक्सेशन, याद रहेगा पक्का। अगर मैंने बोला कि गोवर, तो आपको याद होना चाहिए परपेचुअल सक्सेशन की बात कर रहे हैं। अगर मैंने बोला सोलोमन वर्सेस सोलोमन, तो आपको क्या क्लिक होना चाहिए? कॉर्पोरेशनल, सॉरी कॉर्पोरेट पर्सनालिटी। चलिए नेक्स्ट हेडिंग क्या लिखा है? तुम्हारी, तुम मेंबर हो, तुम्हारी प्रॉपर्टी अलग है। फॉर एग्जाम्पल तुमने रिलायंस कंपनी के शेयर्स खरीदे, तो रिलायंस कंपनी ने जहां जहां प्रॉपर्टी खरीद रखी है वो अलग है, मेंबर की पर्सनल प्रॉपर्टी अलग और कंपनी की प्रॉपर्टी अलग। कंपनी ने प्रॉपर्टी खरीद ली, इसका मतलब नहीं है कि उसके आप भी मालिक हो गए, बात समझ में आ रही है? आप बस वो 10 रुपए के मालिक हो, अगर आपने 10 रुपए का शेयर खरीदा है। अगर आपने 500 रुपए का खरीदा है, तो आप 500 रुपए के शेयर सर्टिफिकेट के मालिक हो, जिसमें आपको मिलता है एक वोटिंग राइट। वोटिंग राइट मतलब कि जब हम डिस्कशन करेंगे किसी बिजनेस मैटर में, है ना, हमें अगर आपका कोई वोट चाहिए, तो उसके लिए बस आप पाओगे, अदरवाइज आप कुछ नहीं हो। उसकी एक सेपरेट आइडेंटिटी है, वो बिजनेस कर रही है, उसको पैसे की जरूरत थी, आपने उन्हें पैसे दिए, और पैसे देने में आपने बोला कि कल को प्रॉफिट होगा तो डिविडेंड के फॉर्म में हमें दे देना, लेकिन वो डिविडेंड देना हर साल कंपलसरी नहीं है, वो किसकी मर्जी? कंपनी की। अब कंपनी तो भाई आर्टिफिशियल बॉडी है, उसका खुद का दिमाग है क्या? तो उसको चलाने वाला कौन होते? तो इन शॉर्ट, डिविडेंड देना कौन डिसाइड करेगा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। उनको लगेगा कि नहीं कंपनी में रीइन्वेस्ट करो, तो वो रीइन्वेस्ट करेंगे, ठीक है। चलिए सेपरेट प्रॉपर्टी, कंपनी बीइंग अ लीगल पर्सन डिस्टिंक्शन फ्रॉम इट्स मेंबर, कंपनी अलग है, मेंबर अलग है, केपेबल ऑफ ओइंग एंजॉयिंग डिस्पोजिंग द प्रॉपर्टी। ओन, ओइंग मतलब समझ में आ रहा है, ओनर, एंजॉय करना, इससे रिलेटेड जो भी फायदे भाई उनको मिलेगा। और क्या लिखा है? डिस्पोजिंग, डिस्पोज मतलब बेचना, खत्म करना। कंपनी मालिक है अपनी प्रॉपर्टी की, वो एज अ मालिक उसे यूज कर सकती है, उस प्रॉपर्टी से जो कुछ मिल रहा है उसे एंजॉय कर सकती है, तीसरी चीज चाहे तो उसे बेच भी सकती है, ठीक है। इन इट्स ओन नेम, कंपनी बेचेगी तो किसके नाम पे बेचेगी? अपने नाम पे। भाई वो प्रॉपर्टी में लिखा होगा, रजिस्ट्री जब हुई होगी ना, आप प्रॉपर्टी खरीदते हो तो रजिस्ट्री में किसका नाम लिख रहता है? आपका। तो कंपनी के भी नाम पे रजिस्ट्री हुई होगी कि भाई ये रिलायंस कंपनी की प्रॉपर्टी है, मेंबर के नाम की नहीं होगी, ठीक है। तो बेचेंगे तो वो अपने नाम पर, ठीक है, रजिस्ट्री करेंगे, ओन करेंगे तो अपने नाम पर। चलिए, नो मेंबर कैन क्लेम हिमसेल्फ टू बी द ओनर, साफ साफ क्या बोल दिया? कोई भी मेंबर क्लेम नहीं करेगा कि भाई हम क्या है, मालिक हो उस प्रॉपर्टी के, बिल्कुल नहीं हो आप। ड्यूरिंग इट्स एग्जिस्टेंस और इन इट्स वाइंडिंग अप, कंपनी अगर चल रही है तब भी आप मालिकाना हक नहीं दिखा सकते, और कंपनी खत्म हो गई तब भी आप नहीं दिखा सकते, क्योंकि आप मालिक हो ही नहीं, ठीक। और मालिक क्यों नहीं है, क्या रीजन है? क्योंकि कंपनी की अपनी सेपरेट आइडेंटिटी है, कॉर्पोरेट पर्सनालिटी है। मेंबर डज नॉट इवन दी इंश्योरेबल इंटरेस्ट, कहीं से कुछ भी उसका इंटरेस्ट नहीं है। तो भूल जाओ कि कंपनी ने प्रॉपर्टी खरीदी तो आप मालिक हो, तो क्या मालिक होकर आप उस प्रॉपर्टी में हक जमा सकते हो? बिल्कुल नहीं। कितने कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए? चार।
पहला कॉर्पोरेट पर्सनालिटी, दूसरा लिमिटेड लाइबिलिटी, किसकी, कंपनी की मेंबर की, मेंबर्स की, याद रखना। थर्ड पॉइंट परपेचुअल सक्सेशन, चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए कंपनी तो जिंदा रहेगी। मैं कह रही हूँ चलो दुनिया खत्म हो गई, आर्टिफिशियल बॉडी तो जिंदा है ना, ठीक है। चलिए चौथा पॉइंट अभी क्या पढ़ा, सेपरेट प्रॉपर्टी। नेक्स्ट क्या लिखा है, ट्रांसफरबिलिटी ऑफ शेयर, शेयर को ट्रांसफर कर सकते हो। आए दिन स्टॉक मार्केट में किसी की खरीद ही तो रहे होते, किसी को बेच ही तो रहे होते, तो शेयर को ट्रांसफर किया जा सकता है। अब कंपनी ना दो टाइप की मैंने बताई थी, एक प्राइवेट और एक पब्लिक बताई थी। चलिए प्राइवेट कंपनी कौन सी होती है, जो लिस्टेड नहीं होती है और जिसमें प्राइवेट लोगों का आपस का पैसा लगा होता है। पब्लिक कंपनी क्या होती है बताओ, जिसमें जनता का पैसा लगा होता है, ठीक है। अब लिस्टेड कौन सी होती है, पब्लिक कंपनी, ठीक है। सभी स्टॉक बॉम्बे और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट है। आप बॉम्बे नेशनल स्टॉक एक्सचेंज से किसके शेयर्स खरीद रहे हो बताओ जरा मुझे, पब्लिक कंपनी के खरीद रहे हो, चलो टाटा के खरीद रहे हो। आपने अभी खरीदा, सोच रहे हो 10 मिनट बाद बेच दूँ, बेच सकते हो। आज खरीदा, कल बेचना, कल बेचो, 1 महीने बाद बेचना, 1 साल बाद बेचना, बहुत सालों बाद बेचना, मर्जी आपकी। पब्लिक कंपनी के शेयर्स फ्रीली ट्रांसफरेबल है क्या, एकदम फ्री हो के जिसे चाहे आप बेच सकते हो? हाँ बेच सकते हो, खुद प्रैक्टिकली आपने देखा सुना है, भले आपने किया ना हो लेकिन सुना है ना कि भाई लोग स्टॉक मार्केट में पैसा लगा रहे, मतलब क्या शेयर्स खरीद रहे है ना, पैसा निकाल रहे मतलब बेच रहे, तो मतलब फ्रीली खरीदा बेचा जा सकता है, तो फ्रीली ट्रांसफरेबल बोल सकती हूँ। प्राइवेट कंपनी में ऐसा नहीं है, बेच सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं, हाँ मना नहीं कर रहे, लेकिन उसकी कुछ कंडीशंस है। उसकी क्या है, कुछ कंडीशंस है। ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ द शेयर्स, पब्लिक कंपनी के शेयर्स आसानी से खरीदे बेचे जा सकते हैं, प्राइवेट कंपनी के शेयर्स बेचे जा सकते हैं लेकिन आसानी से नहीं। हम सब प्राइवेट कंपनी के मेंबर्स, डन। चलो ये बच्चे, ये तीन बच्चे ने डिसाइड किया कि भाई हमें ना अपने शेयर्स को बेचना है, तो अब ये बेचेंगे किसको, बाहर के किसी लोगों को बेचेंगे। हमें बुरा लग रहा है कि नहीं लग रहा है, ये प्राइवेट कंपनी हम लोगों ने खड़ी करी और ये तीन स्टूडेंट डिसाइड करते हैं कि हम अपने शेयर्स बेच देते हैं और किसी को भी आके यहाँ बैठा देंगे, हम कंफर्टेबल हैं क्या? हमने मिलकर ये बिजनेस स्टार्ट किया और ये बिजनेस, चलो हटाओ रॉकी सर, अभिषेक सर, मैं कह रही यार मुझे बेच के आईटेक्स के शेयर्स निकलना है, तो मैं किसी भी बंदे को पकड़ाया अपने शेयर्स और यहाँ बैठा दिया। रॉकी सर अभिषेक सर उसे घूर के देखेंगे कि नहीं देखेंगे, उसके सामने डिस्कशन करना पसंद करेंगे कि नहीं करेंगे? नहीं, तो भाई मुश्किल हो रही है। पब्लिक कंपनी में ऐसा कुछ भी नहीं है, पब्लिक कंपनी में क्या बोला, आज खरीदो कल बेचो, भाई कोई लेना देना नहीं हमें, फ्रीली आसानी से खरीदा बेचा सकता है। प्राइवेट कंपनी में बेचने से मना नहीं कर रही हूँ, लेकिन उसमें रिस्ट्रिक्शंस है, उसमें कंडीशन है। कंडीशन क्या, रॉकेस अभिषेक सर ने साफ बोल दिया, मैम अगर आपको बेचना है ना तो सबसे पहले हमें ऑफर करोगे आप, सबसे पहले किसे ऑफर करोगे, हमें, किसको दूंगी मैं, रॉकेस सर से पूछूंगी सर आपको खरीदना है, अभिषेक सर से बोलूंगी आपको खरीदना है। अगर उन्होंने ना बोला ना तब मैं आउटसाइडर को बेच सकती हूँ, बात समझ में आ रही है, अगर उन्होंने ना बोला ना तो मैं आउटसाइडर को बेचूंगी, अगर उन्होंने ना नहीं बोला खरीदने को तैयार हो तो मैंने इन्हीं को बेच दिया, बेच सकती हूँ ना। बेचने से मना किया है क्या, नहीं, लेकिन कंडीशन है। कंडीशन क्या है, पहले हमें ऑफर करो, अगर हम ना बोलेंगे ना तो बाहर चाहिए। तो अगर मैं सिंपल भाषा में बोलूँ, पब्लिक कंपनी के शेयर्स आसानी से खरीदे बेचे जा सकते हैं और प्राइवेट कंपनी के शेयर्स आसानी से खरीदे बेचे नहीं जा सकते। कंसेप्ट समझ में आया, आओ अब लैंग्वेज रीड करें। ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ द शेयर्स, क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना, वो किस कंपनी की बात कर रहे हैं, ठीक है। एग्जाम में जो क्वेश्चन आएंगे वो प्राइवेट कंपनी को बोल रहे हैं या पब्लिक कंपनी को लेके, पब्लिक कंपनी आएगी तो फ्रीली और अगर प्राइवेट कंपनी तो फ्रीली नहीं है। द कैपिटल ऑफ द कंपनी इज डिवाइडेड इनटू पार्ट्स, जो कंपनी का जो पूरा पैसा होता है, कैपिटल होता है, वो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, उन पार्ट्स को हम बोलते हैं शेयर्स। मैं कह रहा हूँ 10 लाख का कैपिटल लगा है, इस 10 लाख में से 1 लाख आपका, 1 लाख आपका, 1 लाख, 1 लाख, 1 लाख, ऐसे करके पैसा लगा हुआ है। जब सबके एक एक 1 लाख लगे तो इसको बस हमने एक लीगल टर्म दे दिया कि भैया आपका शेयर इतना है, या फिर मैं बोलूंगी आपका पार्ट इतना है। नॉर्मल लेमैन लैंग्वेज में अगर मैं बोलूँ तो आपका 1 लाख का पार्ट है, तो इसको हमने क्या बोल दिया, आपका 1 लाख का क्या है, शेयर है, समझ में आ रहा है। तो इसलिए शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल सबका मिलाकर। द शेयर आर सेट टू बी मूवेबल प्रॉपर्टी, शेयर क्या, एक तरीके से मूवेबल प्रॉपर्टी, जिसे खरीदा बेचा जा सकता है, सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशन, सर्टेन कंडीशन, और फिर क्या लिखा है, फ्रीली ट्रांसफरेबल, ठीक है। सो दैट नो शेयर होल्डर परमानेंटली और नेसेसरीली, क्या लिखा है, वेडेड टू अ कंपनी। ये कोई शादी नहीं है कि एक बार शादी कर ली तो डिवोर्स देना थोड़ा सा मुश्किल है कि अब आपको लाइफ टाइम इसी के साथ रहना पड़ेगा, ये कोई शादी जैसा नहीं है। ये बस एग्जाम्पल देके बस आपको बता रहे कि भाई कंपनी के शेयर्स खरीद लिए
तो क्या हमेशा ही रखे रहोगे? ऐसा कोई जरूरी नहीं है, जब चाहो भेज दो, जब पैसे की जरूरत हो भेज दो। इन्वेस्टमेंट करने के लिए रखा था ना, लग रहा है पैसा निकालना है तो भेज दो। लेकिन 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 मैंने आपको क्या बताया, व्हेन द जॉइंट स्टॉक कंपनी वेयर द एस्टेब्लिशमेंट, रुक जाओ यहाँ से, जहाँ से रीड करिए, अ मेंबर मे सेल इट शेयर इन द ओपन मार्केट, रियलाइज द मनी इन्वेस्टेड बाय हिम, दिस प्रोवाइड द लिक्विडिटी टू अ मेंबर। लिक्विडिटी मतलब क्या, कैश आ जाता है ना पैसे की जरूरत है, ठीक है। फ्रीली सेल हिज शेयर एंश्योर द स्टेबिलिटी टू द कंपनी एज अ मेंबर इज नॉट विदड्रॉन हिज मनी फ्रॉम द कंपनी। द स्टॉक एक्सचेंज प्रोवाइड द एडुकेट फैसिलिटी। मैंने आपको क्या बताया था, स्टॉक एक्सचेंज एक ऑनलाइन मार्केट है जिसमें आप अपने शेयर्स को फ्रीली बेच सकते हो या फिर फ्रीली आप खरीद सकते हो। खुद सोचो, प्राइवेट किसी प्राइवेट कंपनी, जियो कंपनी, जियो कंपनी के अगर आपको शेयर्स खरीदने, खरीद सकते हो क्या? है नहीं लिस्ट, जियो कंपनी के शेयर्स खरीद सकते हो क्या? नहीं, नहीं है लिस्ट। मुश्किल आ रही है ना खरीदने में, तो ऐसे बेचने में भी मुश्किल आएगी, समझ रहे हो? जो चीज लिस्ट हो गई आज यहां बैठे खरीद सकते हो। तो स्टॉक एक्सचेंज बस एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जिससे आसानी से खरीद बेच सकते हो, तो इसीलिए पब्लिक कंपनी के शेयर्स क्या होते हैं, फ्रीली, और प्राइवेट कंपनी के शेयर्स क्या होते हैं, रिस्ट्रिक्टेड। टर्म जो यूज किया जाएगा रिस्ट्रिक्टेड, रिस्ट्रिक्शन है मतलब, हम बोलते हैं ना उसके घर में बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस है, ये नहीं करना वो नहीं करना, बहुत सारी कंडीशंस है, अलाउड है लेकिन विथ रिस्ट्रिक्शंस, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हेडिंग क्या लिखा है, कंपनी अपने नाम से केस फाइल कर भी सकती है और कंपनी के नाम पे भी केस फाइल किया जा सकता है। रिलायंस कंपनी ने मुझे अच्छी सर्विस नहीं दी तो मैं रिलायंस कंपनी के नाम पे केस फाइल करूंगी, वहां के किसी एम्प्लॉय किसी शोल्डर के नाम पे केस फाइल नहीं कर रही हूँ। रिलायंस कंपनी को अगर मुझसे दिक्कत है तो रिलायंस कंपनी अपने नाम पे मुझसे केस करेगी, ठीक है। तो इन शॉर्ट दो सेपरेट आइडेंटिटी, मैं अलग हूँ कंपनी अलग है, तो कंपनी भी मुझ पर और मैं भी उन पर केस कर सकती हूँ। कंपनी बींग अ बॉडी कॉर्पोरेट कैन सू एंड बी सू इन इट्स ओन नेम, मीन्स लीगल प्रोसीडिंग अगेंस्ट द पर्सन ब्रिंग अ सूट इन अ कोर्ट ऑफ लॉ, ऑल द लीगल प्रोसीडिंग अगेंस्ट द कंपनी इंस्टीट्यूट मेन है अपने नाम पर। मतलब किसी मेंबर का नाम लेने की जरूरत नहीं है। मुकेश अंबानी पे केस नहीं हो रहा है, रिलायंस में हो रहा है। रतन टाटा जी पे नहीं हो रहा है, टाटा कंपनी पे हो रहा है। बात समझ में आई? हम कह रहे भाई टाटा ने कुछ कपड़े है ना कपड़े खरीदते हो, वेबसाइट देख लो, ठीक है। अब मैं कह रही हूँ कि भाई यहाँ पे कपड़ों में दिक्कत हो गई तो मैं कंपनी में केस करूंगी ना कि टाटा जी को पकड़ूंगे, कंपनी, तो कंपनी के नाम पे केस फाइल किया जाएगा, ठीक है। चलिए समझ में आ रही है बातें। नेक्स्ट हेडिंग क्या लिखा है, मुझे ये फ्लाईओवर बनाना है, गवर्नमेंट के साथ मेरा प्रोजेक्ट है, ठीक है। तो गवर्नमेंट के साथ मैं अग्रीमेंट करूंगी, कॉन्ट्रैक्ट करूंगी, नाम किसका लिखा होगा, कंपनी का, ठीक। कॉन्ट्रैक्ट राइट्स, कंपनी क्योंकि एक सेपरेट लीगल एंटिटी है डिफरेंट फ्रॉम इट्स मेंबर कैन एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट। अगर उसे प्रॉपर्टी खरीदनी है तो अपने नाम पे वो खरीदेगा, कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। कंडक्ट ऑफ द बिजनेस इन ओन नेम, शोल्डर कैन नॉट एनफोर्स अ कॉन्ट्रैक्ट मेड बाय हिज कंपनी, कोई एनफोर्स नहीं कर सकता शोल्डर, ठीक है। ही इज द नाइदर अ पार्टी नॉर एंटाइटल्ड टू बेनिफिट ऑफ इट, इस प्रोजेक्ट के काम करने से ना तो वो कोई पार्टी है, ना तो उसको कोई फायदा होने वाला, ना ही उसके ऊपर कोई नुकसान आएगा। कल को प्रोजेक्ट अगर कंप्लीट नहीं कर पाई कंपनी तो शेयरहोल्डर आएगा उससे प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने, नहीं ना, तो भाई फायदा भी नहीं और नुकसान भी नहीं, ठीक है। शेयरहोल्डर कैन नॉट बी सू ऑन द कॉन्ट्रैक्ट मेड बाय हिज कंपनी, शेयरहोल्डर का कोई हक नहीं बनता तो उससे रिलेटेड कोई भी है ना केस वगैरह नहीं निकलता, तो कंपनी हमेशा लाइबल रहेगी, कंपनी के ऊपर सारे के सारे केस होंगे, शेयरहोल्डर पे नहीं, ना शेयरहोल्डर का उससे लेना देना ना कंपनी का उससे लेना देना, ये तो भैया एक थर्ड पार्टी है। मेरा काम प्रोजेक्ट गवर्नमेंट के साथ है ना, तो एक पार्टी कौन है, गवर्नमेंट जिनका ये मैं बना रही हूँ, और दूसरा कौन है, हमारी कंपनी, इनके मेंबर्स कोई लेना देना नहीं है। डन, गवर्नमेंट में भी मैं कह रही हूँ अभी मोदी जी है, पीएम कौन है, मोदी जी, उनकी जगह कोई और हो सकता है, तो भाई हम गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं, सेंटर गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं, उसमें कोई भी पार्टी बैठे इसे हमें कोई लेना देना नहीं है। अभी मुकेश अंबानी है, मुकेश अंबानी की जगह उनका बेटा ले लेता है, तो भाई मेंबर है ना वो भी, शोल्डर है ना, हम तो कह रहे हैं कंपनी में केस करें ना, उसके मेंबर्स हमें कोई लेना देना नहीं है। बात समझ आ रही है? तो गवर्नमेंट में भी सेपरेट आइडेंटिटी है, हमेशा याद रखना, जहां आर्टिफिशियल बॉडी आ गई ना सब में क्या होती है, ऑलमोस्ट सेपरेट आइडेंटिटी होती है। डन, लेकिन पार्टनरशिप फर्म में ऐसा नहीं होता। पार्टनरशिप फर्म, अगर आपने कोई पार्टनरशिप फर्म खोली है, अगर आप पांच पार्टनर हो, आप ही को फर्म माना जाएगा, आप ही को पार्टनर। पार्टनरशिप फर्म में ये बात याद रखना, आगे चल के हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे कि पार्टनरशिप में कोई सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं है, ये किसको दिया पावर, कंपनी को। तो इसीलिए अगर आपको लग रहा है
कि पार्टनर्स, कोई बिजनेसमैन आया है, कोई क्लाइंट आया है, वो कह रहे कि भाई मुझे ना अपने सर पे लाइबिलिटी नहीं चाहिए, तो आप उसे पार्टनरशिप फर्म ऑफर मत करना। उन्हें बोला कि भाई क्या बनाओ, कंपनी बनाओ, अगर चाहते हो सर पे लाइबिलिटी लेना, सर दर्द लेना चाहते हो तो पार्टनरशिप फर्म बनाओ, अदरवाइज आपके लिए अच्छा क्या है, कंपनी अच्छी है। ठीक है, तो आपको अपनी क्लाइंट से पूछना पड़ेगा कि आपकी रिक्वायरमेंट्स क्या है, आप चाहते क्या हो। वो कहेगा कि यार मेरे पास अभी थोड़े पैसे हैं, आगे चल के मैं मार्केट से पैसा उठाना चाहते हो, तो अगर मार्केट से पैसा उठाना चाहते हो तो क्या रिकमेंड करोगे, कंपनी रिकमेंड करोगे। सरदर्द नहीं लेना चाहते हो तो क्या रिकमेंड करोगे, कंपनी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सेटिंग क्या लिखा है, लिमिटेशन ऑफ एक्शन, कंपनी कैन नॉट गो बियॉन्ड दी पावर। मेमोरेंडम, मेमोरेंडम सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, अगर मेमोरेंडम है तो ही कंपनी है, मेमोरेंडम नहीं तो आपकी कंपनी कंपनी भी नहीं है। जैसे मैंने अभी आपको बताया था, मेमोरेंडम ही डिसाइड करता था ना कंपनी आगे चलेगी कि नहीं चलेगी। ठीक है, तो मेमोरेंडम में साफ लिखा है क्या क्या काम आप कर सकते हो, तो अगर मैंने इसको ये बोल दिया क्या क्या एक्शन ले सकता है कंपनी, या फिर एक्शन की जगह मैंने क्या बोल दिया, काम बोल दिया बच्चों, कंपनी क्या क्या काम कर सकती है, क्या क्या एक्टिविटीज कर सकती है, कंपनी के क्या काम है। आईटेक्स कंपनी का मेमोरेंडम बना है, आईटेक्स कंपनी के मेमोरेंडम में लिखा है कि हम एजुकेशन, हम बच्चों को पढ़ाने का काम करते हैं, तो हमारे मेमोरेंडम में लिखा है। कल को मैं कह रही हूँ कि हम स्पोर्ट्स में भी कुछ काम करते हैं, हम स्टेशनरी का भी काम करते हैं, मैं कह रही हूँ कि हम कुछ और भी अदर बिजनेसेस करते हैं, तो ये कहाँ लिखा होगा, हमारे मेमोरेंडम में। तो इन शॉर्ट मेमोरेंडम में लिखा है तो वो मैं काम कर सकती हूँ, मेमोरेंडम में नहीं लिखा है तो मैं काम नहीं कर सकती। कल को मुझे लगा कि एक काम करती हूँ यार, ये शादी का टाइम आ गया, शादी के टाइम पे ये पार्लर वालर का काम बहुत ज्यादा है। ठीक है, यहाँ बाजू वाली बिल्डिंग में देखना, यहाँ पे पार्लर का काम आपको दिखेगा। ठीक है, तो हम डेली उनको देख रहे हैं, हम कह रहे हैं वाह यार इनका धंधा, इनका बिजनेस तो बहुत मस्त चल रहा है, तो शादी का टाइम आ गया तो एक काम करते हैं, आईटीएस कंपनी और एक नया काम चालू कर रही है, क्या, पार्लर का काम। क्या हमारे मेमोरेंडम में लिखा है, तो मेमोरेंडम में अगर नहीं लिखा है तो वो काम हम नहीं कर सकते, तो मेमोरेंडम को क्या कर दो, चेंज कर दो। तो पहले मैं मेमोरेंडम निकालूंगी, उसको चेंज करूंगी, है ना, उसकी एक फोटो कॉपी निकालूंगी, उसको कट करूंगी और बस लिख दूंगी पार्लर का भी काम हो गया, काम नहीं, अप्रूवल लेनी पड़ती है, अप्रूवल लेनी पड़ेगी, फीस देनी पड़ती है, मेमोरेंडम चेंज करने के लिए अप्रूवल फीस सब देनी पड़ेगी, तब जाके हमारा मेमोरेंडम चेंज होगा। और मैं उसमें लिखवाऊंगी कि पहले हम पढ़ाई का भी काम करवा रहे थे, स्पोर्ट्स का भी काम करवा रहे थे, अब हम पार्लर का भी काम कर रहे हैं, तो मैं ये पॉइंट लिखवाऊंगी तब मैं ये काम करवाऊंगी। तो पहले लिखवाओ फिर काम करो, बात समझ में आ रही है। बिना लिखे मेमोरेंडम को बिना चेंज किए अगर मैंने ये काम किया तो ये गलत माना जाएगा, इलीगल माना जाएगा, और अगर हम पकड़े गए, अगर हम पकड़े गए, इसलिए मैंने क्यों बोला ये तो बात समझ ही गए होंगे, क्योंकि अगर नहीं पकड़े गए तो दुनिया में तो सारे काम हो रहे, सब इलीगल काम हो रहे। ठीक है, अगर हम पकड़े गए तो हमें अच्छी खासी मोटी पेनल्टी फीस देनी पड़ेगी। तो इन शॉर्ट लिमिटेशन ऑफ एक्शन का मतलब ये है, लिमिट में काम करो, आपकी लिमिट आपके मेमोरेंडम में लिखी है, तो मैं पार्लर का काम तब तक नहीं कर सकती जब तक लिखा ना हो। तो इन शॉर्ट जो जो चीजें आपने लिखी है वो काम करेंगे, उसके अलावा कोई और काम नहीं। अगर कुछ लग रहा है कि नहीं यार कुछ नया करना है तो एड ऑन कर सकते हो, लेकिन यस उसकी एक प्रोसेस है। ठीक है, आओ मेरे साथ रीड करो, कंपनी कैन नॉट गो बियॉन्ड द पावर, ये बात समझ में रहे, कैन नॉट गो बियॉन्ड द पावर जो मेमोरेंडम में लिखा है। ठीक, द एक्शन एंड द ऑब्जेक्ट लिमिट विद इन द स्कोप ऑफ द मेमोरेंडम, क्या एक्शन है, क्या क्या काम करने वाले, क्या क्या आपका ऑब्जेक्ट है, इस कंपनी को बनाते वक्त आपने क्या क्या लिखा था, वो सारी चीजें ही आप काम करोगे, उससे एक ज्यादा। इट कैन नॉट गो बियॉन्ड दिस पावर अनलेस मेमोरेंडम, मेमोरेंडम ऑल्टर्ड, ऑल्टर मतलब जब तक आप मेमोरेंडम को चेंज ना कर लो, वो काम करने से पहले, पहले चेंज फिर वो काम करो, फिर हम दुनिया का को कोई भी काम कर सकते हैं। ठीक है, चलिए क्या लिखा है, समझो एक तरफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है, एक तरफ शेयर होल्डर है। अब थोड़ा समझते हैं, कंपनी में मैनेजमेंट अलग है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का काम क्या है, मैनेज करना, समझो आप सारी बातें अच्छे से। शेयर होल्डर ने 10 रुपए दिया, सबने 10-10 मिला के बहुत सारे करोड़ों के रुपए दे दिए। ठीक है, ये पैसा हम किसको दे रहे हैं, कंपनी को दे रहे हैं ना, कंपनी के दो हाथ तो ऐसे है नहीं, कहाँ रखा है, कोई बैंक अकाउंट में रखा होगा ये पैसा जो कंपनी के नाम पे होगा, रिलायंस कंपनी का एक बैंक अकाउंट होगा, वहां ये पैसा रखा होगा, और उस अकाउंट से पैसे निकालने की है ना पावर किसके पास है, दिमाग कौन लगा रहा है कि भाई ये पैसा कहाँ लगना चाहिए, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। मुझे रिलायंस कंपनी में भरोसा है कि अंबानी में भरोसा है, अंबानी के दिमाग पे भरोसा है, क्योंकि कंपनी का खुद का कोई दिमाग तो है ही नहीं। अंबानी को कल को कुछ हो जाता है तो स्टॉक मार्केट में उसके शेयर्स डाउन हो जाएंगे ना, मतलब तुम्हें रिलायंस कंपनी में भरोसा नहीं है, याद रखना ये सब बातें हैं, हमें भरोसा किस पे है,
अंबानी में, मतलब उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में ना, मैनेजमेंट में ना, आपने खुद ये अलाउ किया है कि भैया ये जो पैसा है ना, लो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर आप दो और आप इसे मैनेज करो, दैट वॉज मैनेजमेंट, दैट वॉज मैनेजमेंट। ठीक है, सेपरेट मैनेजमेंट। कंपनी में होता क्या है, हमने एक मैनेजमेंट अलग बना के रखा है और यहाँ जो ओनर है वो अलग है, या फिर मैं इनको बोलूंगी शेयर होल्डर। ठीक है, ओनर शेयर होल्डर अलग है और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मैनेज करने वाले। मैंने आपको ये बताया था कंपनी अगर छोटी होती है तो वही शेयर होल्डर है, वही मैनेजमेंट में है, वही प्रमोटर है, सब कुछ वही है। जैसे मैंने कहा था शाहरुख खान की कंपनी, शाहरुख खान की अगर मैं बात करूँ तो शाहरुख खान और गौरी अपनी कंपनी के डायरेक्टर है, अपनी कंपनी के क्या बने, शेयर होल्डर बने, और वही क्या है, अपनी कंपनी के प्रमोटर है। तो छोटी कंपनी, लेकिन जब चीजें बड़ी हो जाती हैं, रिलायंस कंपनी कि भाई वो कैसे मैनेज करे। ठीक है, अब रिलायंस कंपनी बात करें तो मुकेश अंबानी क्या है, एमडी है, मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में भी है ना, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मतलब क्या, पूरे बहुत सारे डायरेक्टर, तो वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में मैनेजमेंट भी देख रहा है और वो शेयर होल्डर भी है। तो इन शॉर्ट दो अलग चीज है, इनका मैनेजमेंट में कोई रोल नहीं है, शोल्डर का मैनेजमेंट में कोई रोल नहीं है, डायरेक्टर का ही मैनेजमेंट में रोल होता है, क्योंकि यही देखते हैं पूरा मैनेजमेंट, पैसे का मैनेजमेंट, क्या नए पॉलिसी बननी चाहिए, क्या नए बिजनेस प्लान्स होने चाहिए, यही पूरे टाइम दिमाग लगाते रहते हैं। बस कानून की नज़रों में कंपनी अलग से बना दी गई है और वो अपने काम कर रही है, लेकिन इसका पूरा मैनेजमेंट देखने वाले, पूरा दिमाग लगाने वाले हैं हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। तो कंपनी के एक सेपरेट मैनेजमेंट होता है। यस, अब देखो जैसे मैंने पार्टनरशिप फॉर्म में क्या बोला कि सेपरेट आइडेंटिटी है ही नहीं, कल को अगर बैंक से पैसा लिया पार्टनरशिप फॉर्म ने, कंपनी ने लिया और नहीं चुकाया तो शेयर होल्डर पे बात आ रही है, नहीं आ रही है, लेकिन पार्टनरशिप फॉर्म में शेयर होल्डर पार्टनर पे बात आ रही है, आ रही है, उनको अपना घर बेच के तो चुकाना पड़ेगा क्योंकि सेपरेट आइडेंटिटी वहां है ही नहीं। तो सेम अब आपका क्वेश्चन क्या है कि क्या उसमें कोई एक मेन पर्सन होता है, तो यस पार्टनर सब इक्वल होते हैं, इसमें कोई मेन पर्सन नहीं होता है, सब बराबर, पार्टनरशिप फॉर्म में सब बराबर है, लेकिन एक कंसेप्ट हम पढ़ेंगे एलएलपी, क्या है फुल फॉर्म इसका, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनर। इसमें एक अलग से पार्टनर को बता के रखा, एक डेजिग्नेटेड पार्टनर होगा जिसको बाद बाद में हम उसको पकड़ेंगे, हम सब पार्टनर हैं एलएलपी में, लेकिन मुझे और इसको डेजिग्नेटेड पार्टनर बना दिया। तो और छोटी मोटी बात, मुंह धो ले जाकर जल्दी से, बिल्कुल नींद ऐसे 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 होने वाला है, ठीक है, जा जल्दी मुंह धो, जल्दी जा। चलो तो इसको और मुझे क्या बना दिया, डेजिग्नेटेड पार्टनर बना दिया, तो सारी चीजें के लिए अब हमको पकड़ा जाएगा, लाइबिलिटी तो सबकी रहेगी, लेकिन हमने एक नाम दे दिया, तो वो डेजिग्नेटेड पार्टनर एलएलपी में आता है, पार्टनरशिप फॉर्म में नहीं आता है, समझो। नहीं, उन्हें हम कंपनी बोलते ही नहीं है, वो पार्टनरशिप फर्म ही होती है, लेकिन लोग, क्योंकि नॉलेज नहीं है लॉ का, कंपनी लिखा रहता है ना, अगर आपने सुना होगा, लिखा होगा, फॉर एग्जाम्पल अग्रवाल एंड सन कंपनी, ऐसा लिखा रहता है, सन कंपनी ना, वो सब पार्टनरशिप फर्म है, वो कंपनी है ही नहीं। एक्चुअल में मिसअंडरस्टूड हो जाती है चीजें, क्योंकि उनके नाम में ही क्या लिखा रहता है, कंपनी, वो एक्चुअल में कंपनी है ही नहीं, वो सब पार्टनरशिप फर्म है, सब पार्टनरशिप फर्म है, और ये धोखा है कि उन्हें लगता है यार ये तो कंपनी है, सब पार्टनरशिप फर्म है, कंपनी है ही नहीं। कंपनी कौन सी होती है, हमेशा तुम नाम देखना, नाम अभी एक बार देखना, मैं बता रही हूँ, ABC लिमिटेड, कौन कंपनी है और कंपनी नहीं है किससे डिसाइड होता है, ABC प्राइवेट लिमिटेड, बस। चलो तो ABC लिमिटेड क्या है, ठीक है, तो समझ में आया, जहां कहीं भी कंपनी लिखा है ना, वो कंपनी है ही नहीं। ठीक, चलिए आगे चले, सेपरेट क्या लिखा है, ऑलरेडी नोट, मेंबर में ड्राइव प्रॉफिट विदाउट बीइंग बर्डन विद द मैनेजमेंट ऑफ दी कंपनी। कल को अगर डिविडेंड मिलेगा तो डिविडेंड मिलेगा ना, लेकिन क्या हमारे पास मैनेजमेंट का सर दर्द है क्या, क्या पैसे मैनेज कर रहे हैं, नहीं, इन्होंने का प्रॉफिट मिल जाएगा बिना बर्डन के, दे डू नॉट हैव इफेक्टिव या इमिडिएट कंट्रोल, तो भाई हम कंट्रोल भी नहीं करते, ये बात याद रखना। हम कंपनी में जाकर बोल सकते हैं ये चीज यहाँ क्यों रखी है, वो कहेंगे भाई तू मैनेजमेंट में हो क्या, तुम तो भाई मेंबर हो,
तो आपका कोई कंट्रोल नहीं है, उनको जो करना है उनको करने दीजिए। मैनेज इट्स बाय मैनेजर पर्सन, तो KMP याद आना चाहिए आपको, की मैनेजर पर्सन। ठीक है, चलिए सेपरेट मैनेजमेंट समझ में आए। आखिरी टर्म क्या लिखा है, जिस दिन कंपनी बनाई थी ना, तो आप लोग खुद से आए थे इस लालच में कि कल को प्रॉफिट है ना। चलिए, तो आप खुद से आए थे ना प्रॉफिट के, वॉलेंटरी आए थे कि मैंने तुम्हें मार मार के ज्वाइन करवाया था कि दो कंपनी के शेयर्स लो, ऐसे मार मार के ज्वाइन करवाया था, IPO लेके आई थी मैं, खुद से आए थे ना, तो वॉलेंटरी कॉन्ट्रीब्यूशन किया आपने, वॉलेंटरी एसोसिएशन किया आपने, ताकि आप क्या कमा सको, प्रॉफिट कमा सको। जब आपने रीड किया होगा तो आपको एक सेक्शन 8 मिला होगा। व्हाट डू मीन बाय सेक्शन 8? NPO, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, सेक्शन 8 नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन वाली कंपनीज होती हैं। हमने